कैसे अच्छी विनिंग लेके आनी है कैसे अच्छा परसेंटेज लेके आनी है तो आपको कौन कौन से प्लेयर्स को रखना है जिससे कि आपकी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की अच्छी टीम बन जाए तो दोस्तों आप बात करते हैं मेन पॉइंट पर मुद्दे पर आते हैं ज़्यादा इधर उधर की बातें छोड़ करके क्योंकि सबसे पहले बात यह है कि इसमें लक भी काम करता है और आपको खिलाड़ियों के बारे में जिनका परफॉर्म कैसा है उस हिसाब से आप अगर टीम बनाएंगे तो आपकी अच्छी टीम बन जाएगी और अच्छा रैंक भी आपको मिलेगा हमारा मेन मकसद होता है कि अच्छे रैंक पर हम आएँ और अच्छी विनिंग से हम इस मैच को जो कि हमने जो खिलाड़ी रखे हैं उससे अच्छी परसेंटेज पाएँ ठीक है तो हमें क्या करना है कि वेट के प्रेक्शन में हमें ईशान किशन हैंडी क्लासन जोश शर्मा और स्टब्स इन चारों में से किसके साथ जाना है तो ध्यान से सभी वीडियो को देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए सुरेश यादव गिल गायकवाड़ मिलर और अय्यर और हैंड्रिक्स इन इन सभी प्लेयर्स के साथ जाना है इनमें से कौन से प्लेयर होंगे जो ट्रंपिक होंगे ठीक है उनको हमें रखना है तो दोस्तों कौन से ऑलराउंडर को हमने रखना है ठीक है तो हम सभी खिलाड़ियों को तो नहीं रख सकते क्योंकि इसमें सीमित खिलाड़ी होती हैं ग्यारह खिलाड़ी को चुनना है जैसे कि इसमें से हम देख सकते हो कितने हमें जो बॉलर रखने हैं और कितने हमें ऑलराउंडर रखने हैं ठीक है और कितने हमें बैट्समैन रखने हैं तो जिससे कि आपकी अच्छी टीम बने तो जो प्लेयर के हिसाब से भी इसको देखा जाता है जैसे कि हम विकेट कीपर सेक्शन में अगर दो हम विकेट कीपर लेते हैं तो कुछ कैम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा ठीक है क्योंकि हम फिर उसमें बैट्समैन को नहीं रख पाएंगे तो हमें एक को चुनना है ठीक है तो ईशान किशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया के वैसे तो अच्छे प्लेयर हैं विकेट कीपर भी अच्छे हैं ठीक है, है? जितेश शर्मा भी अच्छे विकेट कीपर हैं और ये रन काफ़ी अच्छे बना जाते हैं जैसे कि अगर ये जितेश शर्मा है छः सात नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो अगर आपको मालूम ये ऐसा पड़े कि जो टॉप वाला ऑर्डर वाला बैट्समैन है जो ऊपर खेलते हैं जो ओपनिंग पर आते हैं अगर वो फोल फेल होते हैं तो उस हालत में जैसे शर्मा अच्छे विकल्प होंगे आई किशन तो अच्छे होते ही हैं क्योंकि ये पिछले कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो हैं क्लासन जो साउथ अफ्रीका के अच्छे बैट्समैन हैं इनके साथ मैं जाऊँगा और आई किशन के साथ भी आप जा सकते हो ठीक है तो अभी क्या है कि विकेट के प्रोसेशन में हम हैनरी क्लासन के साथ जा रहे हैं तो बैट्समैन सेक्शन में आपको मालूम ही है कि आर गायकवाड़ ठीक है सबसे पहले इनकी बात होती है अच्छे टेक्निकल बैट्समैन हैं तो जो कि बैटिंग बहुत तो अच्छी करते हैं तो इनके साथ तो इनको तो हमें रखना ही रखना है सौ परसेंट हमें इस खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करना सभी इन खिलाड़ी को रखेंगे रखेंगे आप डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं तो डेविड मिलर भी अच्छे और टेक्निकल प्लेयर हैं अगर ये तीन और चार नंबर पर खेलें तो डेवलपमेंट के साथ आप जा सकते हो इसके लिए अभी हमें लाइनअप का इंतज़ार करना पड़ेगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा टीमें बना करके आप अभी ज्वाइन मत कीजिएगा क्योंकि रेन जो बरसात की स्थिति है थोड़ी बहुत तो वहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर डरबन है वहाँ उस उस जगह पर जो साउथ अफ्रीका में तो दोस्तों उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत सारी टीमें अभी ज्वाइन नहीं करनी है मौके पर आप ज्वाइन कर सकते हो जब लाइन आता है उसके थोड़ा देर पहले तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको वेदर की रिपोर्ट मिल जाएगी ठीक है तो उसी हिसाब से आप टीमें बनाइए और ज्वाइन कीजिए ठीक है जिससे कि आपका पैसा इन्वेस्ट ना हो वैसे तो वापस आ जाते हैं ठीक है अगर बात करते हैं अब ज़्यादा इधर की बातें नहीं करते तो सूर्य कुमार यादव साठ कम से कम साठ परसेंट इनका सिलेक्शन है तीन नंबर पर खेलें तो आपको रखना होगा ठीक है तो सुमन गिल को भी आप रख सकते हो अच्छे प्लेयर है सेफ्टी के लिए हमें रखना होगा स्मॉल वैसे तो हम इनको ड्रॉप भी कर सकते हो आपको टॉप ऑर्डर में से कोई ना कोई बैट्समैन और करना ही होगा ड्रॉप अगर इनको नहीं कर सकते तो आप सभी लोग इनको रखेंगे तो जिस जिस चीज़ को जिन खिलाड़ियों को अगर सभी लोग रखते हैं तो वो आपकी एक स्ट्रॉग टीम नहीं बनती अब जिन जिन्होंने विनिंग किया ना तो उन्होंने सबसे पहले जो टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन हैं उनको ड्रॉप किया है और नीचे वाले बैट्समैन हैं उनको रखा है ठीक है तो हमें फिलहाल क्या करना होगा सबसे पहले हमें ये देखना होगा गायकवाड़ को तो हमने रखना ही रखना है ठीक है तो अभी क्या है सूर्य कुमार यादव अगर दो तीन नंबर तीन नंबर पर आएंगे शायद ये तो इनको हमें रख लेना है और शुमन गिल सेफ्टी के लिए हम इनको रखेंगे और डेविड मिलर इनमें से इनको रखना है तो आप रख सकते हो डेविड मिलर जो है अगर तीन या चार नंबर पर खेलें तो आप इनको रख लीजिएगा ठीक है तो लाइनअप आने पर का इंतज़ार कीजिए सुरेश अय्यर आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो चाहो तो रख भी सकते हो क्योंकि ये भी अच्छे प्लेयर हैं ये सेफ्टी के लिए आप नहीं रख सकते हो ठीक है तो आपको ड्रॉप तो करना ही होगा एक अदा खिलाड़ी जो रिजा हैंड्रिक्स हैं रिजा हैंड्रिक्स अच्छा टेक्निकल प्लेयर हैं मैं हैंड्रिक्स के साथ जाऊंगा तो सूर्य कुमार यादव गेल गायकवाड़ और रिजा हैंड्रिक्स को मैं रख रहा हूं ये रिंकू सिंह इस हालात में रखिएगा जब आपको मालूम हो कि ऊपर वाले बैट्समैन काम ना करें कुछ टीमों में इन्हें ट्राई कीजिए कुछ टीमों में मत कीजिए यानी कि की दो से तीन टीमें ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो दो टीमों में रख लीजिए ज़्यादा टीमों में मत रखिएगा ठीक है क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत नीचे आती है अब जायसवाल जयसवाल को तो हम हमने रखना ही अगर ये खेलेंगे तो इन्हें रखना है बाकी चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में एडम मार्करम है एडम मार्करम तो सेवेंटी एट परसेंट इनका सिलेक्शन परसेंटेज है ठीक है तो एडम मानक्रम अच्छे विकल्प हो सकते हैं सी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो ठीक है तो अच्छे प्लेयर हैं टेक्निकल प्लेयर हैं अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं ठीक है तो अब ऑलराउंडर अगर इनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी तो ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं नहीं तो ये बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं ही मार्को जैसन भी अच्छे बैट्समैन हैं तो हम दोनों के साथ जाएंगे अगर दोनों में के साथ नहीं जाना तो आप चाहते हो कि बॉलर हमें रखने हैं तो बॉलर के साथ आप जा सकते हो रविंद्र जडेजा को ले रख सकते हो इस इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि रविंदर जडेजा या तो ऑलराउंडर में दोनों के लीजिए तो आप बैट्समैन ड्रॉप कर दीजिए तो अगर आपको ये बैट्समैन ड्रॉप नहीं करना ऊपर वाला तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हो इन दोनों के साथ अगर नहीं जाना इनको तो हमें रखना ही रखना है सौ परसेंट इनमें से एडमार्करों को रख सकते हो एडम मार्को नहीं तो मार्को जैनसन को रख सकते हो ठीक है तो आप दोनों के साथ भी जा सकते हो रविंद्र जडेजा के साथ भी जा सकते हो ये भी स्पिनर है और अच्छी विकेट ले सकते हैं जब विकेट लेते हैं तो तब दो या तीन विकेट इकट्ठी ले देते हैं ठीक है तो इसलिए हमें एडम मार्करम और मार्को जैनसन दोनों को हम रख लेते हैं दोनों में से अगर इसके ड्रॉप करना है तो मार्को जैनसन को हम ड्रॉप कर सकते हैं आगे जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में हम बात करते हैं रवि बिश्नोई बहुत अच्छी विकटें ले रहे हैं हर मैच में उनकी विकटें हैं और दो से तीन विकटें तो ये जरूर ले ही जाएंगे और स्पिनर हैं कुलदीप यादव ये भी विकेट अच्छा ट्रम्पिक खिलाड़ी ये हो सकते हैं हमारे ट्रंपिक खिलाड़ी आज के अगर ये खेलते हैं तो कुलदीप यादव अच्छे विकल्प हैं रवि बिश्नोई भी हमारे ट्रंपिक होंगे और आगे होंगे कौर्जिया ट्रम्पिक तो कोडजिया और अर्शदीप सिंह ठीक है तो ये चार हमें प्लेयर लेने हैं अरजदीप सिंह इनको जरूर रखना है ठीक है इन्होंने अच्छे विकेट्स लिए हैं और अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं ठीक है अगर आप अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करते हो तो उसकी भी स्थिति में आपको कुलदीप महाराज को जरूर लेना होगा ठीक है ये भी अच्छे प्लेयर हैं अच्छे आ, बॉलर हैं ठीक है थीके? तो विकेट कीपर सेक्शन में हमें ये चार लेने हैं रवि बिश्नोई कुलदीप यादव कौरजिया और महाराज और एडम मार्करम और उसमें निजा हैंड्रिक्स अगर आपको इनमें से एक ड्रॉप करना है तो आप कर सकते हो जैसे कि सुरेश कुमार यादव को ड्रॉप करके उस हालात में हम क्या करेंगे कि इसमें से ये चार बॉलर ही ये अलाउड कर रहा है इसके ऊपर से हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में भी ये अभी नहीं ले सकते बैट्समैन पाँच हो चुके हैं जैसवाल हैंड्रिक्स गायकवाड़ गिल अगर इनको ड्रॉप करते हो सुरेश यादव को तो इस हालात में हम देख सकते हैं तो बैट्समैन की हमें ज़रूरत पड़ती है तो मार्को जैसन ऑलराउंडर हैं ये बॉलिंग भी करा सकते हैं तो इस स्थिति में आपको दोनों के साथ जाना होगा या इस स्थिति में रविंद्र जडेजा को ले सकते हो स्थिति में मार्को जैनसन को ले सकते हो तो साउथ अफ्रीका की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो जो कोरजिया और महाराज हैं ये अच्छे विकल्प हैं बॉलिंग सेक्शन के ठीक है तो इनके साथ आप जा सकते हो तो ये अब बात आ गई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको रखना है आप हेल्थी क्लासन को भी रख सकते हो क्योंकि ये भी अच्छे प्लेयर हैं और जब खेलते हैं तो ताबड़तोड़ खेलते हैं तो बहुत रन आएंगे ठीक है तो इनके साथ जा सकते हो उसके बाद में आप जा सकते हो रवि बिश्नोई के साथ आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको इधर जो अगर खिलाड़ी खेल रहा है तो उधर आपको बॉलर भी रखना है ठीक है तो साउथ अफ्रीका का अगर विकेट कीपर रखा है तो रवि बिश्नोई जो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं काफ़ी विकटें उड़ाते हैं तो इनको भी आपको रखना है तो अगर आप इस प्रकार नहीं रखोगे इस प्रकार से काफ़ी लोग जाएंगे सुम्मन गिल और गायकवाड़ को रखेंगे तो जैसे कि टॉप वाले बैट्समैन हैं जयसवाल को और गायकवाड़ के साथ भी ये सभी सभी रखेंगे पर इसमें क्या होगा कि आप जीत नहीं पाओगे कंपटीशन बढ़ जाएगा जिसका सिलेक्शन बहुत कम है आप उसको सीवीसी बनाइए तो उसमें जैसे कि हम बिश्नोई को और कोरजिया को साथ में रखेंगे तो कोरजिया को काफ़ी लोगों ने कैप्टन भी बना रखा है और इस प्रकार भी आप जा सकते हो इस प्रकार अगर टीम बनाओगे तो काफ़ी तो कंपटीशन काफ़ी घट जाएगा तो आप इस प्रकार से टीम बनाओगे तो ये टीम आपकी ऊपर जाएगी सबसे ऊपर जिसको सिलेक्शन परसेंट कम रखा है ना जैसे कुलदीप यादव को लोगों ने कम रखा है कुलदीप यादव और बिश्नोई एक परसेंट लोगों ने रखा है सिर्फ ओनली ठीक है तो देखिए इस प्रकार अगर आप टीम बनाओगे ना तो आपकी टीम सबसे ऊपर जाने के फुल बटा फुल चांस हो गए अगर वो प्लेयर चल गया तो तो अगर ऊपर देख सकते हो कि इनका परसेंटेज किस प्रकार चल रहा है ठीक है तो वो विकल्प होते हैं ठीक है मानते हैं हम उनको जैसे कि हम मार्को जैनसन और एडम मानकरों के साथ जाएंगे तो इनके में आप देख सकते हो कि 12% परसेंट और 11% परसेंट लोगों ने रखा है ठीक है इस प्रकार भी आप टीम बना सकते हो ठीक है अगर आपको इस प्रकार चेंजिंग करना है आपको इस प्रकार टीम नहीं बनानी तो आप इनमें से क्या कर सकते हो जैसे कि मान मान के चलो कि इनको सी वी सी को रख लिया हमने तो ये सबसे अलग टीम बन जाएगी जो चीज़ सबसे अलग होगी ना तो वो काम करेगी सौ परसेंट तो हमें क्या करना है कि वही टीम जीतेगी जो सबसे अलग होगी और जो सबसे अलग नहीं होगी उसमें विनिंग के चांस बहुत कम होंगे क्योंकि सभी लोगों ने उनको चुना है जिनका सिलेक्शन परसेंट कम होगा वो टीम सबसे ऊपर जाएगी तो हमें इसमें एक चेंजिंग और करना है क्या कर सकते हो आप तो यहाँ से जाइए तो हमें सी सबसे ज़्यादा निर्भर है इसके ऊपर अभी सी क्या है कि इसमें रवि बिश्नोई और महाराज इस प्रकार जा सकते हो ठीक है तो कौजिया को कैप्टन बना दीजिए रवि बिश्नोई को वीसी बना दीजिए क्योंकि दोनों ही विकेट फुल चटकाएंगे इस हिसाब से आप टीम बनाओगे तो आपकी टीम बहुत ऊपर जाएगी ये देखिए ऊपर वाली टीम है कौरजिया कैप्टन है ठीक है और रवि बिश्नोई इस टीम में वी सी हैं यहाँ पर रवि विश्नोई को कैप्टन बनाया वी सी उनको बनाया और रवि बिश्नोई और देखो गायकवाड़ को कैप्टन और कोर्जिया को वी सी ठीक है तो इस प्रकार से आप टीमें बनाओगे तो ये काफ़ी अच्छी टीमें चलेंगी विनिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखना अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के